थ्री स्टार एडमिरल आरिफुल्ला हुसैनी ने कहा है कि मसले कश्मीर के मामले पर भरपूर जिद्दोजहद अभी तक नहीं हुई। कश्मीरियों की आजादी के लिए पाकिस्तानी अवाम को साथ देना होगा। जामिया कराची में जश्न आजादी की मुनासबत से होने वाली तकरीब का मजीद अहवाल बताएंगे कामरान शेख। जामिया कराची के शोबा कंप्यूटर साइंस में जश्न आज़ादी की मुनासिबत से तकरीब का इनेकाद। तकरीब में तुलबा ने जोश और जज्बे के साथ तकरीर और मिली नगमे पेश किए। थ्री स्टार एडमिरल रिटायर्ड आरिफुल्ला हुसैनी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि दो कौमी नजरिया पाकिस्तान की रूह है। कश्मीरों की आज़ादी के लिए पाकिस्तानी आवाम को साथ देना होगा। जो कुछ कश्मीर में हो रहा है और जो कुछ हिंदुस्तान में हो रहा है, न सिर्फ मुसलमानों के साथ बल्कि तमाम तर अकलियतों के साथ, तो हमें ये पता चला कि दो कौमी नज़रिया और कायद आज़म का तस्वुर जो पाकिस्तान के बारे में था वो कितना सही और कितना ज़रूरी था। वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद इराकी ने पैगाम दिया कि पाकिस्तानी कौम का हर तालिब इल्म कश्मीर के साथ है, यही तुलबा आगे बढ़कर मुल्क और कौम का दिफा करेंगे। तालिब इल्मों को पाकिस्तान के बारे में, उसकी जद्दोजहद के बारे में आगाही हासिल हो। पाकिस्तान के साथ साथ हम अपने तालिब इल्मों में सही मायनों में आगाही पैदा करें कि कश्मीरियों का कॉज क्या है। वाइस चांसलर ने मजीद कहा कि जामिया कराची के माली वसाइल पहले ही महदूद थे, दूसरी जानिब HSC की जानिब से 10% कटौती से मुश्किलात बढ़ेंगी। कामरान शेख, आज न्यूज़ कराची।